दोस्तों सभी का स्वागत है ट्रैवलिंग सपोर्ट की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सूरत में देखने लायक घूमने लायक कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में। हम आपको बताने वाले हैं 15 ऐसे पर्यटन स्थलों के बारे में जो कि काफ़ी देखने लायक हैं, अच्छे हैं। बने रहिए ट्रैवलिंग सपोर्ट की इस वीडियो में लास्ट तक, आइए जानते हैं। नंबर 1, डच गार्डन। ये गार्डन इसे कहें या फिर सेमेट्री, ये कब्रिस्तान है जो कि सूरत के एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये जगह कातरगांव गेट के पास स्थित है जो कि सूरत के मेन टाउन से यानी मेन शहर से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नंबर 2, डुमनास बीच। ये एक लोकप्रिय बीच है यानी एक डेस्टिनेशन है जो कि सूरत शहर से 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये बीच एक क्वाइट बीच है जो कि आपको एक काम फीलिंग देता है। नंबर 3, सरदार पटेल म्यूजियम। यह म्यूजियम सन 1890 में सूरत में स्थापित किया गया था जो कि शहर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। नंबर 4, अंबाजी टेंपल। ये जगह अंबाजी के निकेतन टेंपल के नाम से भी प्रसिद्ध है जो कि ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। यह मंदिर साल 1969 में बनवाया गया था यानी 1969 में बनाया गया था। ये सूरत का एक लोकप्रिय धार्मिक स्थल है। नंबर 5, सारनाथ नेचर पार्क। ये पार्क 81 एकड़ में फैला हुआ है जो कि विशाल पार्क है जो कि कई जंगली जानवरों का घर है। ये पार्क ताप्ती नदी के किनारे के पास स्थित है। नंबर 6, स्वामीनारायण टेम्पल। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है सूरत की, जो कि एक सुंदर मंदिर है। नंबर 7, जगदीश चंद्र बोस एक्वेरियम। ये इंडिया का पहला मल्टी डिसिप्लिनरी एक्वेरियम है जिसमें 50 से भी ज़्यादा टैंक हैं जिसमें 100 से भी अधिक मछलियों की प्रजातियाँ रहती हैं। नंबर 8, इस्कॉन टेम्पल सूरत। ये मंदिर 13,600 वर्ग फीट के क्षेत्र में बना हुआ है जो कि सूरत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जो कि यहाँ की एक प्रसिद्ध पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। नंबर 9, सूरत कैसल। सूरत के एक लोकप्रिय हेरिटेज मॉन्यूमेंट में से एक, ये जगह 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी क्योंकि ये मॉन्यूमेंट पोर्तुगीज टाइम के दौरान बनाई गई थी, जिसे ओल्ड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। नंबर 10, स्नो पार्क। राहुल राज मॉल के अंदर स्थित ये पार्क जो कि पूरी तरीके से बर्फ से बना हुआ है, ये एक सुंदर पार्क है यानी एक सुंदर जगह है। ये स्नो एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नंबर 11, चिंतामणि जैन टेम्पल। ये एक पुराना जैन मंदिर है जो कि सूरत के रानी तालाब के पास स्थित है। ये मंदिर 400 साल से अधिक पुराना है जो यहाँ की पेंटिंग और नक्काशी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नंबर 12, गेवियर लेक। ये झील सूरत की एक लोकप्रिय झील है जो कि बर्ड वॉचिंग जैसी एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नंबर 13, श्री शिरडी साई बाबा टेम्पल। ये मंदिर साईं भक्तों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि जो साईं भक्त महाराष्ट्र के शिरडी नहीं जाते वो यहाँ दर्शन करने जाते हैं। वैसे शिरडी के बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। नंबर 14, फ्लोरा पार्क। ये जगह सूरत के अथवा नगर के पास स्थित है जो कि हरा भरा पार्क है जो कि फूलों से भरा हुआ है जो कि शांति में कुछ समय गुजारने के लिए एक बेस्ट जगह है। नंबर 15, बनने से पहले आपसे कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन बेल बन कराएगी ऑल सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहुंच जाया करें। अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे इंस्टाग्राम पर हो तो मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, चलिए मेरी आईडी है। नंबर 15, वृंदावन बाग। ये बाग साल 1992 यानी 1992 में बनाया गया था जो कि हरियाली से भरा हुआ है। ये जगह बोटिंग और काफ़ी एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट जगह है पिकनिक मनाने के लिए, दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में जाने के लिए। आप हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो की लिंक डाली हुई है। और अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।